बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ा खिन, लाख तली लाले के जीवन, इन पांव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों, फल नवा निर्खुने त्रेते, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्राणेश्वर प्राण प्रियतम हृदयेश्वर के शीतल कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री परिक्रमा ग्रंथ में क्या कहते हैं महामती जी? धनी जी की आवेशित वाणी, इश्क पहले अनुभवी निज स्वरूप निज धाम, तिन खिन बेर ना हो वही धनी लेत असल आराम। श्री परिक्रमा प्रकरण 4 चौपाई 13 श्री राजन स्वामी जी अति सुंदर टीका में अति सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं, जो इश्क यानी प्रेम का पहले अनुभव कर लेता है, उसे अपनी परात्म तथा परम धाम का साक्षात्कार करने में क्षण भर की भी देरी नहीं लगती। उसे आनंद देने के लिए श्री राज जी की शोभा उसके धाम हृदय में अखंड हो जाती है और आराम करती है। कौन सा आराम करती है सुंदर साथ जी? प्रेम का आराम करती है। श्री राजन स्वामी जी ने श्री खिलवत ग्रंथ में बहुत ही सुंदर एक चौपाई, सुंदर साथ जी आज मैंने पढ़ी, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले थी, ए सब हक करत हैं कौल फैल या हाल, और मुझमें जरा न देखिया बिना नूर जमाल। हमारी कथनी करनी रहनी सबका निर्देशन धनी जी के आदेश से होता है, उनके हुक्म से होता है। मेरे अंदर तो प्रियतम की छवि के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व, महामती जी कहती हैं, देखा ही नहीं जा सकता। और एक बड़ी प्यारी चौपाई पता है इसके बाद वाली क्या थी सुंदर साथ जी? अब इन बीच में खतरा, खतरा मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, अब इन बीच में खतरा हक ना आवन दे, जिन दिल अर्स खावंद तित क्यों कर कोई मुंह से। अब क्या कहते हैं, धाम धनी अपनी मेहर कृपा से मेरे और अपने प्रेम के बीच में, यदि धनी की मैं अंदर आने लगती है, यदि मैं का अपनी मैं का विसर्जन होने लगता है, तो धाम धनी अपनी मेहर से मेरे और अपने प्रेम के बीच में किसी भी प्रकार का खतरा नहीं आने देंगे। खतरा कौन सा होता है सुंदर साथ जी? अब इन बीच में खतरा हक ना आवन दे, खतरा कौन सा होता है? ये माया का खतरा। तो क्या कहते हैं, जिनके धाम हृदय में स्वयं सर्वशक्तिमान अक्षरातीत ही विराजमान हो, उस पर कोई भी मायावी शक्ति कैसे अपना आधिपत्य जमा सकती है? यानी प्रियतम के दिल में विराजमान हो जाने पर संसार का कोई भी आकर्षण उसे अपने वशीभूत नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, हमारे
और धनी के बीच में बाधा डालने वाला ये मन है सुंदर साथ जी, दज्जाल का स्वरूप है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में देखें तो ये मन कुछ है ही नहीं। कहते हैं कैसे मारूं, राज जी कहते हैं कुछ है ही नहीं, इसकी कोई शक्ति नहीं है जो इसमें शक्ति लगाई जाए इसको मारने की। तारतम ज्ञान से के प्रकाश में देखना है कि प्रेम में कहीं पतन तो नहीं हो रहा इस माया की वजह से। तो सुंदर साथ जी वो बोलते हैं तारतम ज्ञान के प्रकाश में देखो ना, कुछ हो तो उसको मारे, तलवार भी उठाए तो कम से कम कोई शक्ति तो खड़ी हो ना आगे जिसको मारना है। वो मन बेचारा है ही नहीं ऐसा जिसके लिए तलवार उठाई जाए। तो इतनी बेचारा दीनहीन और क्षीण है जिसको हमने अपने ऊपर सवार करके रखा है। तो धनी के और हमारे प्रेम के बीच में अब कोई खतरा नहीं है सुंदर साथ जी। अगर कब ये खतरा नहीं है, यदि प्रियतम मेरे हृदय में वो तो विराजमान हो चुके हैं, यदि मैंने उनका एहसास कर लिया है और धीरे धीरे सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर तय होने लगा है तो कोई खतरा नहीं है इस माया से सुंदर साथ जी। तो रोज माया कोई प्रभाव हम पे नहीं डाल सकती है, तेरी कोई शक्ति नहीं है कि तू डाले, क्योंकि मैं अपनी धनी की अंगना हूं। तो आइए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। अब हम बहुत ही सुंदर, अति सुंदर जो स्वामी जी ने टीका किया हुआ है ना, उसी से हम चौपाइयों का जो पढ़ रहे हैं ना वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो उसी में ही विष्णु जी का भी आएगा, होपफुली आज राज जी देखते हैं कि कहाँ तक उनको लेकर जाना है। तो आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, साथ साथ रिवीजन भी करेंगे सुंदर साथ, घबराएंगे नहीं। आज हम उस दिन हमने ईश्वरी सृष्टि का पूरा एक ट्रेवल प्लान जो होता है ना वो हमने किया था, आई डोंट नो अगर वो हो रहा था रिकॉर्ड या नहीं, पर आज हम सबका ट्रेवल प्लान करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ये प्रकरण 31 ही चल रहा है अभी। तो कहते हैं या रस सुख केते कहूं, ये देखिए, या रस सुख केते कहूं कई रहस्य प्रकार, साथ पियू संग विलास हम किए अपार। इस महारास की लीला के आनंद का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, इसमें प्रेम के आनंद के कई गहन रहस्य छुपे हुए हैं। उस लीला में हमने अपने प्राणेश्वर के साथ अपार आनंद की लीलाएं की। तो सुंदर साथ जी, साथ पियू संग विलास हम किए अपार। तो ब्रिज और रास की उन लीलाओं को छोड़ना नहीं है, उनको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर चारों का यामी भोग है सुंदर साथ जी। तो जहां जहां मेरे धनी आए आवेश स्वरूप से उन्होंने लीला की, वो तो सारी लीलाएं हमें प्यारी हैं। कई बातें या सुख की जीव हृदय जाने, ए सुख पहले थे अलेखे अति अधिकाने। कितना सुंदर शब्द, अति अधिकाने। महारास के सुख की बहुत सी बातें हैं जिन्हें मेरे जीव का हृदय ही जानता है। पहले वाली ब्रज की लीला की अपेक्षा रास की लीला का सुख इतना अधिक है कि उससे वाणी जिह्वा के द्वारा किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी ये लाइन से थोड़ी सी दो तीन चौपाइयां इनको हम जरूर पढ़ेंगे। तेज सबों में मूल का सब ही चेतन, थिर चर चेतन ए लीला ऐसी उत्पन्न। यहाँ लीला करने वाले हमारे सभी तनों में मूल परम धाम का ही प्रेम संबंध यानी तेज था। उनके अंग प्रत्यंग सभी चेतन थे। कहाँ की बात हो रही है सुंदर साहब जी, चेतन यानी के योग माया की बात हो रही है जहां पर हमने महारास की लीला की। वृंदावन में ऐसी दिव्य लीला हुई कि वहां की संपूर्ण सामग्री चाहे स्थावर यानी स्थित रहने वाली हो या फिर जंगम यानी चलने फिरने वाली, सभी चेतन ही थी। चर अचर सभी चेतन थे सुंदर साथ जी। पर ए सुख सबे सुपन में नेठ नींद जो माहे, ए सुख जोग माया मिने तृष्ट ना घरता है। किंतु महारास का ये अनंत सुख भी हमें हमने गहन नींद की स्वप्नावस्था में ही लिया था। यह सुख
हमने योग माया के उस ब्रह्मांड में लिया जिसमें हमें घर की कोई भी पहचान नहीं थी। ये राजी ने सोच रखा था कि अभी घर की इनको पहचान देनी ही नहीं है। सुंदर साथ जी, ए सुख कहे गोकुल के और सुख रास सुपन, गोकुल यानी ब्रज के सुख और रास के सुख दो क्यों हो वही विचारियो मन। बहुत सुंदर, हमने ब्रज ब्रैकेट में गोकुल यानी कि गोकुल ही था वो, ब्रज यानी गोकुल में भी प्रेम का सुख देखा तथा रास में भी देखा, किंतु ये दोनों सुख सपने की अवस्था में ही देखे गए। हे साथ जी, आप अपने मन में इस बात का विचार कीजिए कि इन दोनों लीलाओं के सुख को वास्तविक सुख कैसे कहा जा सकता है। उनका आनंद लेना है सुंदर साथ जी, पर वास्तविक सुख इस जागनी रास में मिलेगा जब मेरे धनी जी की वाणी आ चुकी है, उसमें मारिफत के भेद उन्होंने खोल दिए हैं। ये देखिए भावार्थ, जिस प्रकार राजा जनक ने स्वप्न में स्वयं को एक दरिद्र भिक्षुक के रूप में देखा, किंतु जागृत होने पर स्वयं को पूर्ववत राजा के रूप में पाया। अष्टावक्र जी ने उन्हें समझाया कि स्वप्न में देखा गया दृश्य सत्य नहीं होता। इसी प्रकार परम धाम, धाम धनी एवं स्वयं को भूल जाना ही नींद है। ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार के सुख का अनुभव सत्य नहीं कहा जा सकता। यदि झोपड़ी में सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में सोने के महल में स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखता है, तो क्या स्वप्न टूटने के बाद वह सचमुच चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा? यदि नहीं, तो ब्रज रास के सुखों को सत्य कैसे कहा जा सकता है? उपरोक्त चौपाई के कथन पर आत्म मंथन करना चाहिए सुंदर साथ जी, जो मात्र ब्रज रास के नाम रूप और लीला में खोए रहना चाहते हैं। उनके लिए सागर श्रृंगार के ज्ञान एवं चितवनी की कोई महिमा महत्ता दिखाई नहीं देती, बल्कि रास लीला का अभिनय ही आत्म जागृति का एकमात्र साधन प्रतीत होता है। तो चारों का यामे भोग करेंगे सुंदर साथ जी, तभी यहाँ पर असली आत्म जागनी हो पाएगी यथार्थ रूप में सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब हम चलेंगे 130 चौपाई पर। हाँ जी, याद आवे सारे सुख और जीव नैनो ही देखे, तारतम सब सुख देव ही विध विध अलेखे। इस प्रकार तारतम वाणी के प्रकाश में सभी लीलाओं व्रज रास श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी के सुखों की याद बनी रहती है, तथा जीव भी चितवनी के द्वारा अपनी आत्म दृष्टि को खोलकर प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार तारतम ज्ञान से अनेक प्रकार के अनंत सुख प्राप्त होते हैं। भावार्थ, उपरोक्त चौपाइयों में ये बात दृढ़ता से दर्शाई गई है कि तारतम ज्ञान तारतम वाणी के प्रकाश में श्री राज जी के द्वारा धारण किए गए सभी स्वरूपों व्रज व रास के श्री कृष्ण तथा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी एवं उनके द्वारा की गई सभी लीलाओं को चितवनी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ब्रज जो खेली गई सुंदर साथ जी, उसको भी देखा जा सकता है, रास को भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, धनी श्री देवचंद्र जी की लीला को, प्राणनाथ जी की लीला को, सबको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है चितवनी के द्वारा सुंदर साथ जी। किंतु आजकल दुर्भाग्यवश समाज को चितवनी की राह से हटाकर माला के द्वारा मंत्र जाप की क्रिया सिखाई जाती है, भय पैदा कर दिया जाता है। यदि मुख से उच्चारण करेंगे तो शक्ति चली जाएगी। इस मिथ्या मान्यता की पुष्टि में
कान में फूंकने की परंपरा का भी पालन किया जाता है। सुंदर साहब जी, अक्षरातीत के हृदय से प्रकट होने वाली तारतम की अमृत धारा भव सागर भव बंधन से छुड़ाने वाली है। उसको मुख से उच्चारित कर देने पर यदि शक्ति नष्ट हो जाए तो ये सर्वोच्च निधि कैसे कहा जा सकता है इसको? ऐसी अवस्था में तो ये ब्रह्मांड की नश्वर वस्तु मानी जाएगी। चारों वेदों, छह अंग, छह उपांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदों की व्याख्यान स्वरूप 1127 शाखाओं में कहीं पर इस प्रकार का वर्णन नहीं है कि इसका उच्चारण कर देने पर इसकी शक्ति चली जाएगी। तारतम ज्ञान का मूल उद्देश्य है अविद्या के अंधकार को दूर करके सत्य का प्रकाश करना, जिससे जीवन के चरम लक्ष्य यानी प्रियतम के साक्षात्कार, ये है सुंदर साथ जी हमारा चरम लक्ष्य, प्रियतम के साक्षात्कार को पाया जा सके। इसे कर्म कांडों अंधविश्वासों के बंधन में बांधना दुर्भाग्यपूर्ण है। हां जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं श्री कलश हिंदुस्तानी की तरफ। बहुत ही सुंदर सुंदर चौपाइयां सुंदर साथ जी को, उससे जो सुंदर साथ जी को प्रमाण चाहिए होते हैं उनको मिल भी जाएंगे इससे। हां जी, तो ये देखिए हम लोगों ने क्या बात की थी, अक्षर ब्रह्म की पांच वासनाएं, पहले कहे मैं साथ को, ये 18 प्रकरण है सुंदर साहब जी, 18 यानी अवतारों का प्रकरण है आई थिंक। हाँ जी, प्रकरण अवतारों का, ऐसा था छल ए ऐसा था छल अंधेर, प्रकरण 18 चौपाई 7। पहले कहे मैं साथ को, इन पांचों के नाम सुखदेव और सनकादिक कबीर शिव भगवान। पहले अर्थात प्रकाश ग्रंथ में मैं इन पांच रत्नों के नाम बता चुकी हूँ। महामती जी कहती हैं ये इस प्रकार हैं, सुखदेव जी, सनकादिक, कबीर जी, शिव जी और भगवान विष्णु। और सनकादिक में सुंदर साथ जी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को मिलाकर सनक आदिक कह दिया जाता है, सनक आदि। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये चारों ऋषि बचपन में ही परम तत्व की खोज में लग गए थे। सामूहिक रूप में इन चारों को सनकादिक ऋषि कहते हैं। व्यक्तिगत अगर अलग अलग गणना करें तो अक्षर ब्रह्म की सुरताओं की वासनाओं की संख्या 8 हो जाती है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो वैसे पांच वासनाएं पर एक में पूरा ग्रुप सनक आदि, सनकादिक पूरे आ जाते हैं। हाँ जी, ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अब सुंदर साथ जी। अब हम गहन उसमें बढ़ने वाले हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नारायण विष्णु एक अंग, लक्ष्मी याथे उत्पन्न, एह समावे याही में, ए नहीं वासना अन्न, अन्न मतलब अन्य। हाँ जी, आदि नारायण और विष्णु भगवान एक ही अंग है, उनको महाविष्णु भी कहते हैं ना, तो कहीं कहीं महाविष्णु जी को विष्णु भी लिखा गया है। लक्ष्मी जी भी इन्हीं से उत्पन्न हुई हैं और इन्हीं में विलीन हो जाती हैं। इन्हें अलग से कोई सुरता नहीं मानना चाहिए। भावार्थ पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। जब ब्रह्मा जी एवं भगवान शिव हिमालय पर ध्यान साधना कर सकते हैं तो भगवान विष्णु का भी स्थान, साधना स्थान हिमालय का मानसरोवर क्षेत्र जिसे क्षीर सागर कहा जा सकता है होना चाहिए। इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही आदि नारायण, जिनको महाविष्णु, ओंकार, हिरण्यगर्भ, शबल ब्रह्म ही कहते हैं, इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही आदि नारायण होना चाहिए। अलग अलग आदि नारायण अलग अलग ब्रह्मांड के नहीं होते हैं, एक आदि नारायण में से ही करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते हैं, जिनके सांकल्पिक प्रतिबिंबित रूप में अन्य सभी को मानना चाहिए। जब बेहद वाणी में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिवजी के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा कि इस ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांड इस सृष्टि में हैं, ये हमने किया था सुंदर साथ जी,
कि इस ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांड इस सृष्टि में है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सभी ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु और शिव भी हैं। इसका अर्थ क्या है, यदि करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो करोड़ों ब्रह्मा विष्णु उनका अलग अलग पर्सनलाइज्ड उनके अपने ब्रह्मा विष्णु शिव भी हैं। ये बहुत ध्यान से सुंदर साहब जी, अब आगे एक एक शब्द को बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, पढ़िएगा, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बहुत बार पढ़ के ये समझ में आया है। हाँ जी, निर्बीज समाधि द्वारा प्रत्येक जीव, हर एक जीव की बात की गई है जो निर्बीज समाधि लगा लेता है, प्रत्येक जीव कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करके आदि नारायण की स्वरूप गति, यानी आदि नारायण के जैसा स्वरूपगत समकक्षता प्राप्त कर सकता है। हर एक जीव, प्रत्येक जीव निर्बीज समाधि द्वारा कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करके आदि नारायण के जैसे, सेम टू सेम, आदि नारायण के स्वरूपगत समकक्षता को प्राप्त कर सकता है यदि जीव शुद्ध चैतन्य में स्थापित हो जाए। हाँ जी, उस अवस्था को यदि प्राप्त कर ले, इस आधार पर भगवान विष्णु और आदि नारायण एक स्वरूप कहे जा सकते हैं। यदि भगवान विष्णु ने उस कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लिया हो तो निर्बीज समाधि द्वारा तब उनको एक कहा जा सकता है, अदरवाइज आदि नारायण एक है और उनके अंदर बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। किंतु ये कहना कि भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई हैं और वो भगवान विष्णु में ही लीन हो जाएंगी, तो ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य प्राणियों की तरह ही लक्ष्मी जी को भी आदि नारायण का प्रतिबिंबित सांकल्पिक चेतन ही मानना चाहिए, प्रतिबिंबित सांकल्पिक चेतन ही मानना चाहिए, क्योंकि उनका जो जीव है वो भी आदि नारायण से ही आया है, तो उन्हीं में ही लीन होगा। हाँ जी, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि लक्ष्मी जी वे अपने अखंड प्रेम के द्वारा विष्णु भगवान के हृदय में लीन हो सकती हैं, परंतु जीव की दृष्टि से तो उन्हें आदि नारायण में ही विलीन होना होगा। प्रेम की दृष्टि से उनके हृदय में लीन हुआ मान सकते हैं विष्णु जी में, पर वैसे जीव दृष्टि से उनका जीव आदि नारायण में ही विलीन होगा। संभवतः इस प्रकार का कथन वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत रामानुज शाखा के अंश अंशीवाद के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। श्रीमद् भागवत में इन्हीं सिद्धांतों का पोषण किया गया है। वैष्णव आचार्यों ने अपने इष्ट को सर्वोपरि सिद्ध करने के लिए ही विष्णु की अंश रूपा लक्ष्मी को उनका अंश सिद्ध किया है, यानी वो विष्णु जी में ही समा जाती हैं। यदि भगवान विष्णु के अंश से लक्ष्मी जी प्रकट होकर उन्हें उनमें लीन हो जाती हैं, तो पार्वती जी भगवान शिव से और सरस्वती जी ब्रह्मा जी से प्रकट होकर उनमें लीन क्यों नहीं हो सकती। वस्तुतः इस प्रकार के कथन प्रेममयी भावुकता के आधार पर तो कहे जा सकते हैं, किंतु यथार्थता के धरातल पर नहीं। साम वेद का कथन आत्मा वै जायते पुत्रों से क्या ये सिद्ध हो सकता है कि पिता के जीव से, ये ध्यान से सुनिएगा सुंदर साहब जी, पिता के जीव से पुत्र का जीव उत्पन्न हो जाता है। पिता के जीव से नहीं, आदि नारायण का ही प्रतिभास होता है हर जीव। यहाँ केवल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पिता के शरीर एवं संस्कारों के द्वारा पुत्र के शरीर एवं संस्कारों का निर्माण होता है, जीव का निर्माण नहीं हो सकता। सुंदर साहब जी, पिता के जीव से पुत्र का जीव उत्पन्न नहीं हो सकता,
शरीर और संस्कारों का निर्माण जरूर होता है उसके द्वारा। हाँ जी, कोई भी पिता अपने पुत्र के जीव और अंतःकरण का निर्माण नहीं कर सकता। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विष्णु जी का बहुत सुंदर आएगा इसमें, एक जीव से दूसरे जीव का उत्पन्न होना और पुनः उसी में लीन होने का सिद्धांत वेद शास्त्रों के विपरीत है। ये वैष्णव संप्रदाय की व्यक्तिगत विचारधारा है जो श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में दर्शाई गई है। इसे अक्षरातीत का कथन ना मानकर मात्र श्रीमद् भागवत का ही कथन मानना चाहिए, जो प्रसंगानुसार जन सामान्य को प्रबोधित करने के लिए कहा गया है। सुंदर साथ जी, अब हम विष्णु जी की एक और बहुत ही सुंदर चौपाई पढ़ेंगे, विष्णु जी से संबंधित, इसको समझिएगा, इनको दिल में रखिएगा। और अभी हमने कुछ और भी पढ़नी है, शायद वो विष्णु जी से संबंधित एक और भी है जिसमें बहुत ही सुंदर। हाँ जी, यहां भी ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सेम प्रकरण अभी भी चल रहा है, अवतार 21, इस इनमें तिन आड़ा हुआ कल्पांत और कहावे तीन बड़े भी कहूं तिनकी भांत। चौपाई 11, 21 में अवतार के पश्चात कल्पांत में होने वाले प्रलय की तरह इस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था, इसके पश्चात तीन बड़े अवतार हुए हैं जिनकी वास्तविकता को महामती जी कहती हैं मैं प्रकट करती हूँ। भावार्थ, इस कथन से ये निष्कर्ष निकलता है कि 20वां अवतार भगवान राम का होता है तथा 21वां अवतार श्री कृष्ण जी का होता है। 4,32,00,000,000 वर्षों के पश्चात कल्पांत का प्रलय होता है, किंतु ये प्रलय ब्रह्मात्माओं के व्रज से रास में जाने के कारण पहले ही हो गया, क्योंकि अभी तक इस ब्रह्मांड में अभी तक भी केवल 1,96,08,53,115 वर्ष ही हुए हैं। अब अवतार 1 श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगटया जेह दीदार देव की वसुदेव को दिया चतुर्भुज एह। चौपाई नंबर 12, सुंदर साहब जी, प्रकरण 18, अवतारों का प्रकरण ही चल रहा है। एक अवतार श्री कृष्ण जी का हुआ जो मथुरा में कारागार के अंदर हुआ। चतुर्भुज कहे जाने वाले भगवान विष्णु ने वसुदेव देवकी को कारागार में दर्शन दिया। सुंदर साथ जी, वचन कहे वसुदेव को फिरे बैकुंठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरे बैकुंठ अपनी ठौर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वचन कहे वसुदेव को फिरे बैकुंठ अपनी ठौर, पीछे प्रगटे दोए भुजा सो स्वरूप सनंद। और वो कोई और ही स्वरूप और सनंद, विष्णु भगवान ने वसुदेव और देवकी को उनके पूर्व जन्मों की याद दिलाकर स्पष्ट किया कि अब जिस बालक का जन्म होना है उसे नंद जी के घर किस प्रकार पहुंचाना है। इसके पश्चात वे अपने निवास स्थान वैकुंठ चले गए। तत्पश्चात जो दो भुजा वाला बालक प्रकट होता है उसमें अखंड धाम की शक्ति विद्यमान थी। सोचने का विषय है, वो अपने निवास स्थान वापस चले गए तो देवकी जी के गर्भ में कौन था, क्योंकि पैदा उनका जन्म होने से जस्ट थोड़ी देर पहले ही उन्होंने दर्शन दिए थे सुंदर साथ जी, तो उनके अंदर कौन था यदि विष्णु भगवान वापिस चले गए। हाँ जी, वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। वसुदेव जी जिस सुंदर बालक को लेकर गोकुल गए उसे अवतार नहीं कहना चाहिए, इस बालक में वैकुंठ बिहारी की शक्ति नहीं थी, अपितु सुंदर साथ जी निराकार के पार बेहद धाम की अखंड शक्ति विद्यमान थी। प्रकाश हिंदुस्तानी, ये बेहद वाणी ही, प्रकट वाणी ही है सुंदर साथ जी, प्रकरण 37 चौपाई 29 की प्रकट वाणी में कहा गया है, सो सुरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश।
जब अक्षर ब्रह्म की आत्मा धाम धनी के आवेश के साथ नंद जी के घर प्रवेश करती है तो प्रश्न ये होता है कि वसुदेव जी जिस बालक को लेकर नंद जी के घर आए उनमें अखंड धाम की कौन सी शक्ति थी जिसके कारण उसे विष्णु भगवान के अवतारों में नहीं माना जा सकता, नहीं माना जाता, ताए ना कहियो अवतार। सामान्यतः इस प्रश्न के उत्तर में पुराण संहिता एवं गर्ग संहिता का उदाहरण देकर यही कहा जाता है कि नित्य गोलोक की शक्ति ने उस बालक के तन में कारागार में प्रवेश किया था। सुंदर साहब जी, ये प्रश्न आया था काफी समय पहले, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा जाता है? नित्य गोलोक की शक्ति ने, नित्य गोलोक यानी अखंड ब्रज की शक्ति ने उस बालक के तन में कारागार में प्रवेश किया था, यानी ब्रज पहले या खंड थी ऊपर, उसके बाद यहाँ हुई है, कुछ ऐसा मानते हैं। इस संबंध में पुराण संहिता का ये श्लोक भी देखने योग्य है। लीला वासनया व्याप्ता शुद्धा वृत्ति परात्मनः तस्या मावेशया मास गोलोकियम रसम प्रभु। पुराण संहिता 27:31। हाँ जी, अर्थात अक्षर ब्रह्म की परात्म की शुद्ध वृत्ति परम धाम की लीला को देखने की इच्छुक थी। देखिए पुराण संहिता में लिखा हुआ है ये, अक्षर ब्रह्म की परात्म की शुद्ध वृत्ति परम धाम की लीला को देखने की इच्छुक तो थी, उसमें गोलोक की रसमयी प्रभु का आवेश था। ये लीजिए, इस विचारधारा का ये मानना है कि बेहद मंडल में, ये ध्यान दीजिएगा सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर साहब का ये संशय आया था शुरू में, इस विचारधारा का ये मानना है कि बेहद मंडल में अनादिकाल से राधा कृष्ण की लीला चली आ रही है। ये हमने राधा कृष्ण का जो सीरियल आया था ना सुंदर साथ जी, उसमें भी मैंने एक ही एपिसोड देखा था और बाय चांस वो यही था कि वहां ऑलरेडी है, वहां विरजा श्रीदामा कंस आदि सभी हैं। ये सभी व्रज मंडल में होने वाली लीला के समय अपने ऐश्वर्य के साथ अंश रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस स्थिति में ये प्रश्न होता है कि बेहद की प्रेममय लीला में अघासुर बघासुर पूतना तथा कंस आदि क्रूर लीलाओं की क्या आवश्यकता है? बेहद मंडल में ये कदापि संभव नहीं है कि विरजा क्रोधित होकर श्रीदामा को कंस राक्षस बनने का श्राप दे। इतना अवश्य है कि अव्याकृत से लेकर सत स्वरूप तक बेहद मंडल है जिसका विस्तार अनंत है। इस मंडल में अक्षर की सुरताओं तथा मुक्त जीवों के साथ बेहद के चारों अंतःकरण की अखंड प्रेममय लीला हुआ करती है जिसका ध्यान विष्णु भगवान सहित अक्षर की अन्य सुरताएं भी करती हैं, किंतु उन्हें गोलोक ही कहा जाए तथा राधा कृष्ण को अनादिकाल से वहां की लीला में संलग्न माना जाए ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसा कहना भी सार्थक नहीं है कि कारागार में अक्षर ब्रह्म के चारों अंतःकरण यानी अव्याकृत सबले केवल और सत स्वरूप की शक्तियां उस बालक के तन में प्रविष्ट हो गई थी। अब तक की संपूर्ण लीला में यही देखा गया है कि ब्राह्मी कार्यों में परब्रह्म के जोश यानी जिब्रील की ही भूमिका रही है। इस प्रकार यही मानना उचित लगता है कि कारागार में परब्रह्म के जोश यानी जब्राइल जिब्रील ने प्रवेश किया था जिसके कारण उस स्वरूप को अवतार नहीं माना जा सकता। यद्यपि ऐसा कोई कथन लिखित में उपलब्ध नहीं है किंतु सैद्धांतिक दृष्टि तथा अब तक के घटनाक्रमों से यही मानना न्याय संगत प्रतीत होता है। हमने पढ़ा था जहां भी ब्राह्मी कार्य होता है वहां परब्रह्म का जोश कार्य करता है और जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ एक रात के बाद ही उनमें आवेश प्रविष्ट होने वाले हैं आवेश स्वरूप, तो
तब तक उनको अवतार क्यों नहीं कहा गया उस रात के दौरान जब कारागार से नंद जी के घर में उनको ले जाया गया, उसमें पारब्रह्म के जोश ने ब्राह्मी कार्य उनके अंदर ये संपादित किया है सुंदर सार जी, और अक्षरातीत का उन्होंने आगे आकर मोस्ट वार्म वेलकम भी किया है जोश ने आकर, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर सार जी, अब एक और चौपाई पढ़ेंगे हम। हाँ जी ये देखिए, ए सब कही तुम समझने भानने मन की भ्रांत, बेहद विस्तार है अति बड़ा या ठोर आड़ा कल्पांत। हे साथ जी, आपको वास्तविक सत्य का बोध कराने एवं अवतार के संबंध में आपके मन में उमड़ने वाली भ्रांतियों को मिटाने के लिए ही मैंने ये सारी बातें कही हैं। बेहद की लीला का विस्तार बहुत अधिक है, नंद के घर अक्षर ब्रह्म की आत्मा एवं धाम धनी के जोश आवेश द्वारा होने वाली 11 वर्ष 52 दिन की प्रेममय लीला के पश्चात इस ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। हाँ जी अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी 14, उसके बाद हम चलते 20 नंबर की चौपाई पे। इन्हीं में ही यही प्रकरण है सुंदर साथ जी, इनको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में। हाँ जी तो ये हम पढ़ चुके हैं, अभी कर चुके हैं कि मथुरा में क्या किया, 7 दिन गोकुल 4 दिन मथुरा में उन्होंने रंगशाला में रखे हुए धनक भान गजमल मारे, तब हुए दिन 4 पछाड़ कंस वसुदेव छोड़े, या दिन थे अवतार, या दिन थे अवतार। बहुत ध्यान से, मथुरा में उन्होंने रंगशाला में रखे हुए विशाल धनुष को तोड़ा, बहुत बल वाले कुबल्या पीड़ हाथी तथा चाणूर एवं मुष्टिक नामक पहलवानों को मारा। इतनी अवधि में 4 दिन व्यतीत हो गए। इसके पश्चात कंस को मारकर जब उन्होंने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया और स्नान करके राजसी वस्त्र धारण किए, तब से वो अवतार हो गए सुंदर सार की। तब से अवतार की लीला प्रारंभ होती है, उस दिन वो विष्णु भगवान के अवतार बन गए। कैसे हुआ ये, इसकी चौपाइयों के थ्रू ही करेंगे सुंदर सार जी, क्योंकि स्वामी जी के शब्दों में जो क्लैरिटी आएगी ना, उसको शायद मैं बोल भी दूं तो न्याय नहीं हो पाएगा जो स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी अब हम चलते हैं सुंदर सार जी। हाँ जी अब आई बात हद की, हिसाब 14 भवन सब बात इत याही की, कहें अटकलें और वचन। अब यहां से 14 लोक के इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु की लीला का प्रारंभ होता है। तारतम ज्ञान की दृष्टि ना होने से संसार के ज्ञानी जन अपने अनुमान से 11 वर्ष और 52 दिन वाली ब्रज लीला और 11 दिन 7 दिन गोकुल 4 दिन मथुरा की लीला करने वाले स्वरूप को भी बैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु से ही जोड़ देते हैं। 11 वर्ष 52 दिन की लीला अक्षरातीत के आवेश ने की, इसके पश्चात 11 दिन की लीला बांके बिहारी, रास बिहारी कहें बांके बिहारी कहें, उनके नूरमयी तन के आवेश ने की, तथा शेष सुंदर साथ जी जो बचेंगे ना, टोटल 112 वर्ष है, शेष 100 वर्ष की लीला होगी वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु ने की। इसको कहते हैं सुंदर साथ जी त्रिधा लीला, उसमें रास लीला नहीं आती है। एक सुंदर साथ जी ने एक दिन प्रश्न पूछा हुआ था, ब्रज रास और जागनी क्या इसको त्रिधा लीला कहते हैं? नहीं सुंदर साथ जी, जो ब्रज के समय पर ही हुई वहां 3 प्रकार की जो लीला हुई, 11 साल 52 दिन की पहली लीला, 11 दिन की दूसरी, और शेष 100 वर्ष जो बचे भगवान विष्णु की लीला, इसको कहते 3 प्रकार की यानी त्रिधा लीला। अब आगे क्या हुआ, युद्ध किया जरा सिंध सो रथ आयुध आए खिन माहे, तब कृष्ण विष्णु मय भय, बैकुंठ में विष्णु तब नाहे। बहुत ही सुंदर ये चौपाई, फिर से पढ़िएगा सुंदर साथ जी इनको। तब कृष्ण विष्णु मय भय, वैकुंठ में विष्णु तब नाहे। जब जरा सिंध से युद्ध हुआ तब क्षण भर में उनके रथ, इनके विष्णु जी के कृष्ण जी के रथ और अस्त्र शस्त्र उपस्थित हो गए।
उस समय श्री कृष्ण जी पूर्ण रूप से विष्णु रूप हो गए, क्योंकि अक्षरातीत का आवेश भी उनमें नहीं है, और क्या नहीं है उनमें, सुंदर सा जी, रास बिहारी के नूरी तन की का आवेश भी नहीं है। पूर्ण रूप से विष्णु रूप हो गए और वैकुंठ में विष्णु भगवान की उपस्थिति नहीं रही। ये किस प्रकार उपस्थिति होती है ये भी हमने करना है, आप चिंता नहीं करो, हो सकता है कल थोड़ा सा करें पर ये पूरा करेंगे हम सुंदर साथ। वैकुंठ थे जोत फिर आई, शिशुपाल किया हवन, मुख समानी श्री कृष्ण के, यो कहे वेद वचन, यो कहे वेद वचन। श्रीमद् भागवत 10:74-43 में श्री कृष्ण जी के द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन है। श्लोक 45 में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात शिशुपाल की ज्योति वैकुंठ गई, किंतु भगवान विष्णु के वहां ना होने से उन्हें वापस उनके मुख में समा गई। किया राज मथुरा द्वारका, बरस 100 और 12, प्रभास सब संघार के, जाए खोले वैकुंठ द्वार। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने मथुरा द्वारिका में 112 वर्ष तक राज्य किया। अंत में प्रभास क्षेत्र में सभी यदुवंशियों का संहार कराकर स्वयं विष्णु वैकुंठ पधारे। एक चौपाई में इसको अलग अलग करके भी दिया गया कि 100 वर्ष बाद में बचे थे सुंदर सा जी। गोप हुता दिन एते, बड़ी बुद्ध का अवतार, नेक अब या की कहूं ए होसी बड़ो विस्तार। आज दिन तक जागृत बुद्धि का अवतार, इसको भी कहते अवतार नहीं कहना चाहिए, अवतार तो यहाँ के उसमें कहना पड़ता है इनको, जागृत बुद्धि का अवतार गोपनीय ही रहा। इस अवतार के संबंध में मैं थोड़ी सी बात बताती हूँ, वस्तुतः इसकी लीला का बहुत अधिक विस्तार होगा। सुंदर सा जी, यहाँ से कल हम सुंदर साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे और भी बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने विष्णु जी के बारे में, यहाँ नहीं है वो इस प्रकरण में, वो कहीं और है, छुप छुप के वो कड़ियां जो छुपी हुई है ना, अति सुंदर, वो हम कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि कल और परसों क्लास नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्लास तो कहना ही नहीं चाहिए, हम सब बराबर बराबर नलायक वाले जो होते हैं ना, बैक बेंचर्स, तो क्लास नहीं, बैठक नहीं हो पाएगी कल और परसों, कुछ ऐसा कार्य है कि इसी समय पर है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो 2 दिन लगता है, भगवान विष्णु जी चाहते हैं और वेट, मेरा जो खुलासा होने वाला है उसका और वेट शायद राज जी ने अपने दिल में ले रखा है। सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर श्री खिलवत ग्रंथ में ना एक चौपाई आई कि पहले मैं अपने आप को समझती थी कि मेरे बिना कोई कार्य चल ही नहीं सकता। महामती जी कहती हैं, मुझे ऐसे लगता था कि ये जो दुनियादारी और ये सारी है ना, ये मेरे बिना चल ही नहीं सकती। आप सोचो, कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं ना प्रैक्टिकली, पता नहीं कि घर में मैं ना हूं तो ये घर कैसे चलेगा, है ना, ऐसा सोचते हैं ना हम सुंदर साहब कि ये ब्रह्मांड शायद हम ही चला रहे हैं, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पर वो कहती हैं, जब से मुझे पहचान हुई तो मुझे पता लगा कि ये जो बाजीगर वो पुतलियां घुमाता रहता है ना, उसके हाथ में डोर होती है, कब नचाता है कब उनको खड़ा कर देता है, तब मुझे पता लगा कि मैं तो अलग हूं ही नहीं। आपने ब्रज में भी अपने हृदय के स्वरूप बना के हमें खड़ा किया, रास में भी, परम धाम में भी, जागनी में, हमारा स्वरूप आपसे कोई अलग है ही नहीं। जैसे जैसे नचाते जाते हो हम नाचते जाते हैं, और ये ब्रह्मांड चलाने वाली मैं नहीं, ये ब्रह्मांड चलाने वाले आप हो, मुझे चलाने वाले भी आप हो। कहती हैं, अब मुझे ये एक-एक चीज लिखती हैं, जब आप खड़ा करते हो मैं खड़े हो जाती हूँ, जब आप सुलाते हो मैं सो जाती हूँ, जब आप जगाते हो मैं जाग जाती हूँ, जब बिठाते हो मैं बैठ जाती हूँ, एक-एक सांस आपके हुक्म से मैं ले रही हूँ। धनी जी, अब मुझे ये समझ में आ गई है, तो ये बोझ छोड़ दीजिए, फ्री हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, बहुत हल्का महसूस होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और जैसे जैसे ये कहते हैं, ये सटल होती है, सटल मतलब बहुत ही सूक्ष्म, ये अंदर बैठी होती है, हम ऊपर से बोलते भी जाए ना
पर अंदर बैठी होती है कि बोल ले तू, काम तो मैं अंदर करूंगी अपना। तो ये सटल जो अंदर छुपी हुई है ना, जैसे जैसे हटेगी, बोलते हैं हक की मैं, जैसे ही मेरे अंदर प्रवेश हुई है, उन्होंने खजाने खोल दिए हैं मेरे लिए। सुंदर साहब जी, हमने भी लेने हैं वो खजाने। अब धनी पे छोड़ के देखिए, थोड़े से महीने, ज्यादा नहीं, ट्रायल पीरियड होता है ना। हम कुछ चीज लेके आते हैं घर में, कोई गुड लेके आते हैं, वाइट गुड, ट्रायल पीरियड होता है ना, एक ट्राई करके दीजिए, देखिए कैसे धनी चलाते हैं आपके माया के काम भी, आत्मिक भी आपकी कैसे अंदर दृष्टि खुलती है, देखिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम जी और महामती जी की जय। महामती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो ये वाणी धनी आवेशित स्वरूप में उनके थ्रू जो उन्होंने यहाँ पे उतारी है, और राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, ना केवल अर्थ बल्कि भावार्थ में जो उन्होंने छुपाकर हमें दिया है ना, ये अद्वितीय है सुंदर साजी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।